नमस्ते। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हेयरिंग एड में बैटरी चेंज करने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले आप अपना हेयरिंग एड लें इस तरह से और बैटरी डोर को ओपन करें। इसमें जो पुराना बैटरी है इसको आप टूल की मदद से निकाल के साइड पर रख सकते हैं। बैटरी डोर को क्लोज करके आप रख दीजिए। अभी हम बैटरी स्ट्रिप का बात करेंगे। ये फ्रंट साइड बैटरी स्ट्रिप है, इसमें आपका बैटरी नंबर लिखा होगा यहाँ पे 312। ये व्हील है, इसको आप घुमा सकते हैं। स्लॉट पे आप बैटरी लाएंगे और फिर बैक साइड में यहाँ पे एक छोटा सा विंडो स्लॉट दिया हुआ है, इसको ओपन करके तरह से आप बैटरी अपने हाथ पे निकाल सकते हैं। इसमें एक छोटा सा स्टिकर लगा होगा, इसको आप निकाल दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ्लैट सरफेस है बैटरी का, इस पर एक छोटा सा प्लस का निशान बना हुआ है, ये पॉजिटिव साइड है। हमेशा जब भी आप बैटरी अपने हेयरिंग एड में डालेंगे ये साइड आपको दिखना चाहिए। इसके उल्टी साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर का रिंग बना हुआ है, ये नेगेटिव साइड है। और बैटरी को यूज़ करने से पहले आप एक मिनट इसको निकाल के रख दीजिए, इसका रिज़र्व चार्ज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वापस आप बैटरी उठा के हेयरिंग एड में डाल सकते हैं। अगेन बैटरी डोर को आप ओपन कर लीजिए और टूल की मदद से आप इसमें बैटरी उठा के डाल सकते हैं। बैटरी डोर क्लोज़ कर लीजिए। अब आपका हेयरिंग एड यूज़ करने के लिए रेडी है। इन केस कभी आप बैटरी गलत साइड से डालते हैं और स्टक हो जाती है तो आप क्लिनिक पे आके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो आज हमने देखा हेयरिंग एड में बैटरी चेंज करने का सबसे आसान तरीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।